हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लावण्या'स किचन। आज की रेसिपी है रिच एंड डिलीशियस पनीर बटर मसाला, जो कि वेज सब्जियों में बहुत ही फेमस डिश है। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम पनीर क्यूब में कटे हुए, 2 प्याज कटे हुए, 2 टमाटर, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक कटा हुआ, 10 ग्राम धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। मसालों में हमने लिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 25 ग्राम अमूल बटर, 1 ग्लास फुल क्रीम दूध, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च। एक बर्तन में सबसे पहले पानी गरम करें, उसके बाद इसमें प्याज और टमाटर को अच्छी तरीके से बॉईल करें करीब 5 मिनट तक। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसे ठंडा कर लें और मिक्सी की जार में अदरक, लहसुन, ड्राई फ्रूट्स और जो खड़े मसाले हैं वो ऐड करेंगे और हमारा ठंडा किया हुआ उबला प्याज और टमाटर इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसे बारीक पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक पैन में करीब 5 बड़े चम्मच ऑयल डालें। उसके बाद उसमें 2 बड़े चम्मच बटर ऐड करेंगे। हमने ऑयल और बटर को मिक्स करके ही ऐड करना है तवे पे, नहीं तो बटर जल जाएगा। इसलिए सबसे पहले ऑयल डालें, उसके बाद बटर डालें और जब ये दोनों अच्छी तरीके से गरम हो जाएं, तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पीसा हुआ पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद इसे बटर और ऑयल में अच्छी तरीके से मिक्स करें और 1 मिनट तक इसे भूने। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम हल्दी पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें डालना है 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें ऐड करना है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएं और मसालों को भूनते जाएं। करीब 2 मिनट तक इसे भूनेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे हम टोमेटो केचप 1 बड़ा चम्मच। उसके बाद अगेन इसे हमें मिक्स करना है और भूनते जाना है। इसके बाद ऐड करना है 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 चम्मच गरम मसाला। उसके बाद इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे, जब तक ये मसाले अच्छी तरीके से न भुन जाएं और साइड से तेल छोड़ने लगे, तब तक के हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। देखिए मसाले साइड से तेल छोड़ने लगे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास दूध, जो कि फुल क्रीम दूध है। हम यहाँ पे मलाई या फिर अदर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने 1 ग्लास फुल क्रीम दूध ऐड किया है। इसे करीब 1 मिनट तक अच्छी तरीके से मिलाकर पकाना है।
फिर इसमें हमारे कटे हुए पनीर हम इसमें ऐड करेंगे और ऐसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करके करीब 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरीके से इसे हल्के हाथों से मिलाते जाएं और करीब 4 से 5 मिनट तक हमें इसे पकाना है। ये सब्ज़ी रिच इन फैट, कैलोरी और प्रोटीन सब में ज़्यादा होती है। और पनीर की ये पेटेंट सब्ज़ी है जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही डिलीशियस है खाने में। जब ये 4 से 5 मिनट तक पक जाए तो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड करेंगे लास्ट में और इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कटी हुई धनिया पत्ती। उसके बाद ऐड करेंगे लास्ट में अमूल बटर करीब 20 ग्राम, क्योंकि हमने शुरू में भी बटर डाला था तो अभी हम करीब 20 ग्राम बटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी पनीर बटर मसाला की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लग रही है खाने में। आइए इसे सर्व कर लेते हैं। पनीर बटर मसाला की सब्ज़ी बनाने में जितनी ही आसान है, खाने में उतनी ही डिलीशियस और यम्मी है। पनीर बटर मसाला की रेसिपी झटपट बनने वाली सब्ज़ी है जो कि बहुत ही डिलीशियस और यम्मी लगती है। आप चाहे तो रोटी या चावल के साथ खाएं या नान कुलचा किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही यम्मी सब्ज़ी लगती है। और इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी और बहुत ही यम्मी लगेगी। तो घर पर इसे ज़रूर ट्राई करें। एंड आई होप मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई हो। तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी में।